तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि फोन पे में जो है यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और गाइज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो गाइज अगर आप भी अपने फोन पे का यूपीआई आईडी जो है क्रिएट नहीं किए हैं और बनाना चाहते हैं, अगर आप नया भी बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। और कई तरह का यूपीआई आईडी वहाँ पे दिया रहता है, उसको अगर आप एक्टिव करना चाहते हैं यानी कि एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। तो लाइव आप लोग के सामने जो है करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। करना क्या गाइज, जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा सिंपली उसी प्रोसेस को क्या करना है फॉलो करना है। सबसे पहले करना क्या गाइज, यहाँ पे अपने जो है प्रोफाइल वाले पे ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। जैसे इतना प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या गाइज, आपको यहाँ पे दिख जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट देखने के लिए मिलेगा, तो क्या करना है सिंपली आपको जो है बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे बैंक अकाउंट पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जितना भी बैंक अकाउंट इस फोन पे एप्लीकेशन में लॉगिन होगा यानी कि रजिस्टर होगा तो यहाँ पर वो आपका अकाउंट जो है देख जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है मैं दो बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या किया हूँ फोनपे में जो है लॉगिन किया हूँ, तो दोनों बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे दिख रहा है। जिस भी बैंक अकाउंट पर मैं अपना यूपीआई आईडी क्रिएट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके और क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिएगा मैं NSDL पेमेंट बैंक है, इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देख सकते हूँ आज मेरा एक यूपीआई आईडी जो है यहाँ पर है जो एक्टिवेट है, ठीक है। अगर इस यूपीआई आईडी को मैं क्या करना चाहता हूँ एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके और एक्टिवेट कर सकता हूँ। लेकिन सिंपली करना क्या गाइज, यहाँ पर अगर आप अपना नाम से यूपीआई आईडी बनाना चाहते हैं नाम से या मोबाइल नंबर से, यहाँ पे लिखा हुआ है @YBL, ठीक है, इस पर क्लिक करके प्लस पे क्लिक करके और यहाँ से अपना नाम का जो है या मोबाइल नंबर डाल के आप यूपीआई आईडी जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्रिएट करके और क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं एक यूपीआई आईडी एक्टिवेट है। अगर इस दोनों को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे कि एक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका कौन सा सिम है, ठीक है। तो यहाँ पर सिम सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा, ठीक है। OTP ऑटोमेटिक जो है फिल हो जाता है, तो OTP फिल होने के बाद जो है आपका ये भी यूपीआई आईडी जो एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हैं प्लीज वेट लिख रहा है और देख सकते हूँ अभी एक्टिवेट हो जाएगा। देख सकते हूँ एक्टिवेट हो चुका है और आप इसको भी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसको भी इसी तरह एक्टिवेट कर सकते हैं। OTP आता है, OTP ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार क्या कर सकते हैं फोन पे एप्लीकेशन में जो है अपना यूपीआई आईडी को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो हमारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।